द कवरेज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई के सिंह, जो अंबेडकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, हर जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हर मजलूम के हक में आवाज उठाते हैं, और जो भी हुकूक हैं मुसलमानों के हो, दलितों के हो या पिछड़े हो, उनके हकूक के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मुख्तलिफ मुद्दों पर, जो मसाइल हैं मुद्दों पर, जो भी मुद्दे हैं जो शोक चल रहे हैं मुल्क में, तो हम उस पर बात करेंगे। जैसे सर आपका स्वागत है। मैं पहला सवाल आपसे ये है कि मुल्क में जो मौजूदा हाल है, एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्या है कि मस्जिदों पर हमले, दलितों के हकूक पर हमले, रिजर्वेशन पर हमले, सारी चीजें सामने आई आपके सामने। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है कि मुल्क में माहौल कैसा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए, इससे पहले बीजेपी की सरकार आई थी उस वक्त हम लोग थे, उस समय उन्होंने नारा दिया था राम रोटियों के साथ, न उस समय किसी को राम दे पाए न रोटी दे पाए न इंसाफ कर पाए। ना इंसाफी की बुनियाद पर जो आरएसएस है ये चीज चलता है, वो ना इंसाफी की बुनियाद पर टिका हुआ है, उस बीच पर गैर बराबरी पर टिका हुआ है। आज के हालात में भी जो सबका साथ और सबका विकास है, लेकिन उसके पीछे सबका साथ और सबका विकास, अब तो उनको साथ भी नहीं चाहिए, तो उनके हाथ में ईवीएम का रिमोट कंट्रोल है। ईवीएम का रिमोट कंट्रोल के होने की वजह से न उनको सबका साथ चाहिए और वो विनाश तो कर ही नहीं, सबका साथ सबका विनाश, हमने सुना था सबका विनाश हमें इंदिरा गांधी ने नारा दिया था 1975 में, जब वो ऐसे थोड़ी दिमाग से निकलता है, तो उस समय भी कला के हमें जो मजलूम हैं उनकी खैर नहीं। और बीजेपी को आरएसएस को भी नहीं आती, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका ने माना है और हिटाई मैट्रिक में ये चल चुका है। तो जो जो टेररिस्ट हैं और जो इस मौजूदा जो हुकूमत को चला रहे हैं, हुकूमत के मैनेजमेंट में, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, या ये जो यूपी का बाबा है क्या नाम है उसका, योगी योगी, ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, समझ पाए। और क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो व्यक्ति अगर सत्ता में आएगा नहीं बैठेगा, तो वो उससे इंसाफ की बात कर ही नहीं सकते। इनको एक हिंदुत्व का भूत सवार है, और भूत इस कदर सवार है कि हिंदुत्व के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये पूरे मुल्क को क्रश कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना, तबाह करने पर आमादा है। अभी मैं कल न्यूज देख रहा था कि जो बात कर रहे 70 साल की ने जो जो देश के ऊपर जो कर्ज था 58 लाख करोड़, और मोदी महाराज 14 से लेके अब तक वो 85 लाख करोड़ हो गया। ये पैसा जा रहा है, इन्होंने सब्सिडी सारी बंद कर दी, किसानों की सब्सिडी बंद कर दी, बुजुर्गों की सब्सिडी बंद कर दी, जो रेलवे की सब्सिडी वो बंद कर दी, खिलाड़ियों की सब्सिडी बंद कर दी, कि ये पैसा जा रहा है, किधर जा रहा है? चाहे ये सिर्फ कहते हैं गवर्नमेंट, हम जो हमारे लोग इधर दो हैं अमित शाह और मोदी, और उनके दो हो गए अडानी और अंबानी, इस तरह से चल रहा है। जो बीजेपी का जो जो हमारे सरकार जो हिडन एजेंडा था, अब वो खुल के लागू हो रहा है बीजेपी सरकार में, और मनमानी हो रही है। अब तो वोट की दरकार नहीं, वोट की दरकार होती तो 1.75 लाख 700 किसान मारे गए थे आंदोलन में, उनको फिक्र होती उनका वोट डिस्टर्ब होगा, वोट नहीं, वोट के नाम पर ये बिछाते हैं और ईवीएम से खेल करते हैं। और आज की तारीख में ईवीएम के खिलाफ गुजरात से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, हम लोग शुरुआत करके आए थे 10 दिसंबर को, हम लोग वहाँ थे, ईवीएम के खिलाफ हमने आवाज लगाई, वहाँ एक आंदोलन खड़ा हो गया गुजरात के लोगों ने, वहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये ईवीएम की मशीन की सरकार है, अगर पीपल्स गवर्नमेंट होती तो इनको दर्द होता, कभी वोट चाहिए इनको, वोट ही नहीं चाहिए। आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम की बात तभी आती है जब इलेक्शन होता है, और जो ओपोजिशन पार्टी है हम उसे क्या करती हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पूरे टाइम के लिए 2-4 दिन या 10 दिन या 20 दिन के लिए आवाज आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, उसके बाद इससे बड़ी भी ओपोजिशन पार्टियाँ हैं, आप जानते हैं बड़ी जो ओपोजिशन, वो खामोश होती है, किसी ने बोला नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस से भी बोलती होगी कि
तो मतलब खामोशी की हत्या की वजह से एलएसी के वो क्या रहते हैं उसका ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। दरअसल जिस तरह से जो भी आपको वर्किंग है ये इस मोदी गवर्नमेंट जो भी आवाज निकालेगा उसके पीछे ईडीआई लगा देंगे सीबीआई लगा देंगे जितने जो होते हैं वो उनको लगा देते हैं। तो हर जितना भी जो आपने सुना बड़ी पार्टियां की बात की है बड़ी पार्टियों के बड़े नेता वो उनकी गर्दन फंसी हुई है। ये कांग्रेस तो ईवीएम को लेके आए थे राजीव गांधी जी इस ईवीएम को लेके आए थे और ईवीएम से अनुमान था कि ज्यादा दिन तक हम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को बेवकूफ नहीं बना सकते तो वो उनकी वो गलत मशीन वो खामोश है और कौन बोलेगा मैं कुछ बोला नहीं अखिलेश यादव बोला नहीं जितना भी कौन बोला है सब सब ही इसमें बेईमान लोग हैं बेईमान नेता हैं इन्हें समाज से देश से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये ईवीएम तो हटना चाहिए कहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ वहाँ ईवीएम हटा नहीं यहाँ यहाँ होता क्या है तो लोग पूरा तो आवाम 2017 के यूपी चुनाव के बाद और अब जो चुनाव हुआ है साफ आ गया देखिए हिमाचल में होने लगी थी दिल्ली में छेड़ दी कई बार में छेड़ कई बार नहीं कर पाता है उसको छोटा छोटा रिचार्ज बताता है आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता है केजरीवाल को तो उसको नहीं छेड़ उनका तो सब एक ही बात है। तो कांग्रेस को रिप्लेस चाहिए रिप्लेसमेंट और कांग्रेस ये सब केजरीवाल को आरएसएस पढ़ा रहा है लेकिन लोग लोग समझ रहे आता आता समझ रहे हैं ईवीएम का मुद्दा है यदि वो लगे इसके लिए सीमेंट हो जाए उसके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं बड़ा काफा हम यहाँ पर इसे निकालें और पूरे उत्तरी भारत में पूरे देश की बात नहीं करेंगे पूरे उत्तर भारत में खासतौर से यूपी से हम लोग बहुत ही शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने एक ये कहा कि आज तक सबसे बड़े दशक बंदी में करीब ऑर्गेनाइजेशन है जबकि आज उसको अपना प्रोजेक्ट अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं वो दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। क्लियर कर दिया और हिंदू कौन है ऊपर जो अपने आप की यहाँ पर उन्हीं के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि मुंबई तो अंतर मजबूरी है लेकिन बार पक्का काटी अचूतों के आंदोलन का मतलब स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के काम की और उस किताब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाया उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये जो आप कर रहे हैं इसके अलावा कोई कथा नहीं तो ये तो न कहने का तो मतलब ये जो लोग बोलने रहे हैं कभी आर एस एस का जो एजेंडा है आर एस एस का आर एस एस टिकाई भूमि ऊपर है इनकी जो किताबें जितने भी धर्म सोकार जो धर्मशास्त्र है उन किताबों के बारे में कहते हैं उन्होंने लिखा है कि जब तक हिंदू धर्मशास्त्रों को दाना मार के नहीं लाया जाएगा तब तक इस देश की सत्ता मुझे समाप्ति इसका अपना नहीं हो सकती जो काम होती वो हमने चलना नहीं हुआ जिनका रामायण महाभारत को समझना चलना पड़ा था ये गैर बढ़ा दी है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर लिखे उस बात उस पर अमल हम लोग कब कर पाते हैं कब उसका हम लोगों के बीच में हमारा के उस बात को कर पाते हैं जब थोड़ा देखा जैसा आपको मेरी नज़र होती है क्या हिंदुस्तान किसी मखसूस तबके पर खास करके निशाना बनाया जा रहा है खास करके टारगेट बनाया जा रहा है अब आपको लगता है कि ऐसा एक जानबूझकर हो रहा है। देखिए इसकी शुरुआत ये यहाँ 800 साल उन्होंने शासन किया और दूसरे लोगों ने किया तब इनको तकलीफ नहीं थी उनसे क्योंकि इनकी व्यवस्था नहीं थी और अब वो क्या है कि जो 1947 में उन्होंने शरारत की थी जितने भी वो सुखार के समय हिंदू नेता थे नेहरू गांधी वाजपेयी वगैरह जो भी रहे उनका एक एक ये अपने एक पक्ष अपने काम का लोग हम कहते हैं या अभी लोग इन जगह कहते हैं वही उनका बंटवारा मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ उन्होंने मुसलमानों को तीन टुकड़ा उनका चीन कर दिया जो बाद में बांग्लादेश में हो गया। देखिए हमारे यहाँ मुस्लिम की आबादी कम से कम करीब 25 करोड़ है
कम से कम 25 करोड़ माननीय और 22-23 करोड़ पाकिस्तान में मुसलमान और लगभग इतना ही बांग्लादेश में तकरीबन 66-70 करोड़ आबादी में रहते हैं। अगर ये पुराने मुल्क को रहता है बस डर कम की बात करते हैं और अपने ही इस चीज़ को दर्शन करने में लगे हुए तो अगर 70 करोड़ मुसलमान यहाँ होते पूरा भारत एक होता तो क्या होता थी और थोड़ी बहुत कमी पड़ती तो उसके लिए हम लोग आप समझ गए तो निश्चित तौर से यहाँ पे मुगल की आवश्यकता हो सकती थी उसको उन्होंने रोका। अब उन्हें लग रहा है ऐसे ऐसे कई बार आए दंगल को पहले हम ऐसी ऐसी को इस्तेमाल करते थे वो विश्व को इस्तेमाल करते थे जैसे हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा तो पता लगा कि मुसलमान तो हमारा भाई है हमने इनका साथ देना बंद कर दिया है और उसकी वजह आप मुझे एग्जाम्पल है जो 20 जोड़े हमने दंगे करवाए थे इसको दिल्ली को गुजरात बनाने की कोशिश की थी घूमने शायद उसको पता हुआ है केजरीवाल को पता हुआ है वो जाँच की रिपोर्ट आई है उसमें साफ हो गया दंगे केजरीवाल और अमित शाह करवाए सारा मीडिया में विश्वास हुआ गया तो ये यहाँ इसको भी गुजरात बनाने की कोशिश थी लेकिन बाहरी लोग अब तक क्या करते यहाँ के दलितों ने खासतौर से वाल्मीकि समाज और जाकर समाज के लोगों ने पूरी तरह से मुस्तैदी से इनका हिंदुओं का साथ नहीं मिला मुसलमानों के साथ खड़े हो गए तीन मिनट अंदर मतलब गृह मंत्रालय से वो प्रायोगिक हो गंगा वो 3 मिनट अंदर थोड़ा सा तो मतलब ये कहना है कि ये एक तरह से एक कम्युनिटी पर हमला करने के लिए साजिश क्रिएट हो रहा है मगर ये कहना है कि दलितों पर जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ दलितों पर जुल्म हो रहे हैं तो दलितों की जिम्मेदार है क्या लगता है वो दलितों के लिए अपनी आवाज़ उठाने से मायावती की बात करें जिनसे गलावों की बात करें और भी कई दलित हैं जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं हम दलित के नेता हैं हम उनके लड़े हैं उनके जरिए वो शासन भी कर चुके हैं अपना जो भी चला सब कुछ अपना इसी हिसाब से चला रहे हैं समझ भाई बड़ा फर्क है दलित नेता और दलितों का नेता दलित नेता को ये तो दिमाग से दलित नेता है और दलितों का नेता बाबा साहब का कंप्यूटर के बाद नहीं हुआ ये सब खाने कमाने वाले हैं सब तो फिर भी लोगों के साथ हैं साथ तो देखिए क्या है कि वो साथ अनजाने हैं जाने के बाद मायावती को देखिए इतना करीब 27-28 साल हो गया जीतल समय आँख बंद करके वो किया अब उसको झटका रहा है जब क्लियर हो गया कि भाई कितना कब तक समझाया क्लियर हो गया नहीं मेरे द्वारा आर एस एस की वो पार्टी हुई है मायावती तो तब तक उससे समाज अलग हुआ है लेकिन उसको आँख बंद करके उसको बहन मायावती बहन मायावती करें बात बाकी किसी बात नहीं सुनी जाती थी अब तो अब दलितों का क्या कहते हैं आपके नजर में आपको लग रहा है दलितों को कैसे अच्छा करना चाहिए किस तरह लाना चाहिए देखिए इसका क्या है तो जो सही बात देने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता और हक बात पुराने बात में कहा है हक बात देने वाले के साथ रहना चाहिए हम लोग आप सुनिए करीब 40 साल से इस मूवमेंट में कि किस तरह से दलित मुस्लिम मुतहद हो और हम इसमें इंकलाब आया और इंकलाब के बाद में हम इसमें हम दोनों दल अगर आज भी दलित और मुस्लिम का इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अक्सरियत में आ जाते हैं इतनी बात को दलित नेता भी जानते हैं मुस्लिम नेता भी जानते हैं लेकिन ये एक साथ बैठ नहीं ये मुमकिन है बैठे मुमकिन है मुझे नहीं लगता देखिए इस बार मेरी अभी जो 2017 का चुनाव था 2017 के चुनाव में पूरी MIA पार्टी जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट थे और जो कार्टून थे सब शासक थे भाई दिल सिंह और वैसे साहब साथ साथ आ गए बस एक बार प्रसारण बंद कर दें उसके बाद हम समान जाएंगे लेकिन उसको के बाद वैसी साहब ने मिलना दबा नहीं समझा मेरे साथ तो बताइए जो करेंगे वो भी मतलब ऐसा बोलते हैं भाई दिल सिंह भाई प्लांट में तो दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे हम लोग वोट मांगने के पूरे समाज अपने आप मिल जाएगा लेकिन वैसी साहब किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए तो 2017 का चुनाव योगी नहीं आता निश्चित तौर से हम लोग बोलते हैं 26% मुसलमान है तो आपने आपको ओवैसी का नाम लिया ओवैसी के सिर्फ पोलिटिकल जो काम है जो सियासत करते हैं उसकी देखते हैं आप देखिए मैं ओवैसी साहब को ऊपर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा लोग बड़ा आदरवाइज दे देंगे लेकिन ओवैसी साहब तो मुझे उतार दें दुनिया जानती है वो तो क्या क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं मुझे ज़्यादा क्या नहीं अच्छा तो वो अलग ये अमेरिका दलित बात हुई दलित आपके जो कम्युनिटी है दलित वाले दलित जो हैं
एससीएसटी हो गए, क्या आप उनसे आएंगे? आपको लगता है आप इंटरव्यू पर आ रहे हैं? मायावती जी रामपाल के बाद में और बड़े पैमाने पर समाज में साथ आ रहा है, मुस्लिम समाज में भी काफी बड़ी चर्चा है। ये ज्यादा मुझे लोग बताते हैं जो फीडबैक आ रहा है, निश्चित तौर पर वी आर गोइंग टू रिप्लेस डीएसपी एज पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द हिंदू मुस्लिम, और निश्चित तौर से आने वाले समय में हम कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक सवाल आपसे इसे पूछना, जैसे यूपी मथुरा का मामला, जैसे ज्ञान मार्ग मस्जिद, हाँ उस पर केस चल रहा है, इंसिडेंट चल रही है, उसके बाद अगर सामने ईदगाह उसका भी इम्पोर्टेंट मामला है, उसमें सर्वे का हुआ है, आप उसको भी तस्वीर देते हैं कि मस्जिदों पर हमले, बाबरी मस्जिद के बाद हमले हो गए मस्जिदों पर, हर चीज पर दावा कर रहा है कि हमारे हैं हमारे हैं, उसके बाद से उसके बाद एक वो भी आई थी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो अब क्या लगता है कि मतलब किस तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है कि खास करके आगे क्या होगा? ये मुसलमानों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अटैक करके मुस्लिम को डिसिस्टमलाइज करना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ वहीं उजाड़ रहे, इस तरह के जो इशू उठाते हैं वहाँ उजाड़ रहे, और शासन में आने की सोच रहे हैं, इंतजार में आने की नहीं सोच रहे, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए उलझे रहेंगे, वे छुटा फेंकते हैं, जबकि बिल्कुल क्लियर है अयोध्या का फैसले के बाद में इनकी बेईमानी साफ हो गई, क्योंकि ये सब कुछ उसके बाद उन्होंने उस कायदे कानून को संविधान को ताक पर रखा, ब्राह्मण है जहाँ पर काट कर रहे उसके बाद भरोसा नहीं, और जो ईदगाह का मामला है, शाही ईदगाह का मामला है और ज्ञानवादी का भी है, ये सारे मसले जब एक 1991 में उसका एक्ट का भी मान लिया, 1991 में एक एक्ट आया पांच का पार्लियामेंट से, उसके तहत मतलब तीन धार्मिक केस लगभग 1947 के बाद जो भी धार्मिक उनका किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, नहीं की जा सकती, उसके बाद कोर्ट ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया ये साई मस्जिद वाला साई ईदगाह वाला मामला, पूरा ब्राह्मण सिस्टम उसमें जितने सुविधाएं आरएसएस का माइंड सेट है, उसमें शासन में प्रशासन में न्यायपालिका में आरएसएस का माइंड सेट काम कर रहा है, और वो मुसलमान के साथ साथ कभी तो मुसलमान ये कभी भी जिस वक्त इकट्ठे हो गए जिस वक्त इनकी आदत हो गई, इंकलाब होगा और फिर हमें हुकूमत से कोई बाहर नहीं कर सकता।